तो हेलो दोस्तों, खम्मा गणी सो गए। तो दोस्तों, हमें राजस्थान में जयपुर में, तो जयपुर के लैंग्वेज में ही स्वागत होना चाहिए। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे बैठा हुआ। आज सही मायने में हमारी जो बजट टेप है उसका वो सफल हो रही है। आप हंसना बता, मैं हंस रहा हूँ इसलिए। तो देखिए, कुछ इस तरह से और ये रहा हमारा रूम, ये रहा हमारा लॉकर, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः लोगों के लिए कॉमन हॉल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बता दूँ 100 रुपये में पड़ा है। यार मतलब देखो ना, हमारे जो हमने जो 100 डेज की सीरीज चालू की है, उसका मोटिव ये है कि हमने कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। हमें काम क्या होता है, सिर्फ आना है, बैग रखनी है और एक्सप्लोर करने के निकल जाना है। इसीलिए मैं ऐसी जगह ढूंढता हूँ जो कि मेरे बजट में भी आए और मतलब एकदम अच्छी हो। अभी देखो, यहाँ पे पानी आ रहा है 24 आवर्स, बिजली, हाँ एक दिक्कत है, यहाँ पे जो फैन वगैरह है वो दिन में नहीं चलेंगे, ये सिर्फ रात में चलेंगे। सो यहाँ पे प्राइवेट रूम है, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मुंबई का ही लड़का है, जो कि उससे मेरी बहुत अच्छी पहचान हो चुकी है। जैसे आपको उससे भी मिलाऊंगा। आज हम जाने वाले एक कचौरी है, कचौरी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, जयपुर में फेमस। सो सबसे पहले मैंने सोचा आज तो कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम कचौरी खाने चलते हैं। तो हम दोनों, मैं और वो मुंबई का जो लड़का है उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने, सो हम दोनों जाने वाले हैं कचौरी खाने के लिए। तो फिर उससे पहले जानिए कल जो रात को हमने ट्रेन पकड़ी थी उसका प्रवास, मतलब वो कैसे ट्रैवल हुआ है हमारे साथ। और एक चीज़ बता दूँ, लेकिन उससे पहले ट्रेन की जर्नी आप सुन लीजिए थोड़ी शॉर्ट में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। पहले से यहाँ पे नींद आ रही है और ट्रेन उसमें भी कितना आधा घंटा लेट है। तो अभी टाइम हो चुका है 12:30, लेकिन अभी तक हमारी ट्रेन आज आई नहीं है। वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत। चलो कोई नहीं, फाइनली हमारी ट्रेन आ रही है। स्टेटस भी अभी चेक किया, पास में ही एक स्टेशन पे आ जाएगी। मतलब क्या ही मस्त हमारे साथ सीन हुआ है। हमने किया था स्लीपर का क्लास बुक, जो कि वेटिंग में था, और वेटिंग के बदले में हमें एसी मिल चुका है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि बस चद्दर वदर बिछा के सो ही जाना है, एक नंबर प्लान हुआ है। अभी कल से और मज़ा आने वाला है, जयपुर पिंक सिटी गोल्डन सिटी। तो लो जी, निकल पड़ी है हमारी ट्रेन और डायरेक्ट जाके रुकेगी जयपुर। तो कुछ इस तरह से हुई थी हमारी कल रात की ट्रेन की जर्नी, और उसमें हमारा प्लस पॉइंट ऐसा हुआ कि हमने ट्रेन बुक की थी 350 रुपये में, प्रति 350 रुपये में। ओके, 350 रुपये के बाद वो टिकट थी हमारी वेटिंग लिस्ट में। सो एंड मोमेंट पे 4 घंटा पहले हमारी टिकट कंफर्म तो हो गई, और वो भी 3rd AC में। अरे मस्त सो के आया हो। 12 बजे रात को ट्रेन पकड़ी, 1 बजे सोया हूँ, सीधा 8 बजे उठा हूँ, 8 बजे उठ के 12 बजे तक जयपुर में आया हूँ। सो यही की जर्नी ट्रेन की, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और जो को पैसेंजर थे, लिटरली उनके साथ बैठ कर और उन्होंने जो बताया जयपुर के बारे में, उससे सुनने के बाद है ना, एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो। और कचौरी का आइडिया वो उन्होंने ही दिया था। सो मैंने सोचा आज एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलेगा, सो हम कचौरी खाने चलते हैं, उसी बहाने एक ब्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो चलते हैं थोड़ी देर में, अभी बजे आई थिंक 4। सो जस्ट नहा के बाहर निकला हूँ, नहाने के लिए कॉमन बाथरूम है, वॉशरूम वगैरह सब कॉमन है। तो ठीक है, 100 रुपये में क्या चाहिए। तो चलते हैं थोड़ी देर में, उससे भी वो भी खाना खा रहे हैं, हम भी शाम को जाएंगे, मतलब एक कचौरी वचौरी खा के कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, और ऐसी मज़ेदार वीडियो आती रहेगी। सो गाइस, यही है वो भाई साहब जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो अभी ये हमें लेके जा रहे हैं जयपुर की गलियों में,
जयपुर मार्केट घुमाने के लिए, तो फिर चलते हैं। और यहाँ पे मेट्रो है, सो पहले मेट्रो से ही जाएंगे और ढेर सारे जो स्ट्रीट फूड है वो भी ट्राई करने वाले हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसा गुजरात में क्लाइमेट था उससे यहाँ बिल्कुल अलग है, क्योंकि धूप वूप मस्त तरीके निकली हुई है, सो घूमने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये रहा हमारे पीछे जयपुर जंक्शन, और ये रहा सामने मेट्रो स्टेशन। सो लो जी, आ गए मेट्रो स्टेशन पे, टिकट विकेट निकाल लिया है, 6 रुपये टिकट था सिर्फ चांदपोल का। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो जयपुर आके फर्स्ट टाइम मेट्रो में घूम रहा, मुंबई में तो घुमा हुआ वैसे, लेकिन जयपुर में नहीं घुमा हुआ। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं चांदपोल में, जो कि जयपुर का मेन मार्केट है, और खाने पीने की चीज़ें हमें यहाँ पे ही मिलेंगी बहुत सारी, सो लेट्स वाओ। तो गाइस, जो ये आप देख रहे हैं सामने वो है चांदपोल गेट, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे वो है यहाँ की रिक्शा, बहुत ही सुंदर है और मज़ेदार है एकदम मज़ेदार। यार दोस्तों, सच में मजा आ गया यहाँ का मार्केट देख के, एकदम हरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और रात को तो मतलब रात को तो और चमक जाएगा। देखते हैं, अगर टाइम हुआ हमें तो देखते हैं, रात को भी दिखाऊंगा मैं। मेंस से लेके लेडीज जेंट्स के, जेंट्स तक सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अभी आगे है ना अपना वो मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इंदिरा बाजार। हाँ, इंदिरा बाजार है जहाँ से हमें माइक लेना है। अभी पिछले आधे घंटे से चले जा रहे हैं, लेकिन मार्केट है क्या, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इसकी सुंदरता देख के मतलब क्या ही बताऊँ, जहाँ देखो ऐसे सुंदर सुंदर बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ तक थी छोटी चौपड़ ना। हाँ ओके, छोटी चौपड़, यहाँ से आगे चालू हो रही है बड़ी चौपट। क्या क्या नाम है, वाह, थैंक यू इन भाई सबको। ये भाई साहब हमें लेके आ रहे हैं, आए हैं राम सीता मंदिर में, तो दर्शन करना भी जरूरी है। So, यहाँ पे आ चुका है जौहरी मार्केट, जो कि आपने बहुत सारे वीडियोस में वगैरह देखा होगा। यार यहाँ की ट्रैफिक बहुत नड़ रही है। यार यहाँ पे सिग्नल का कोई पालन नहीं कर रहे, जो भी ये तोड़ के चला जा रहे हैं, बहुत सही चीज है, एक नंबर। मजा आ गया मार्केट घूमने में, सिग्नल पे पहले दिन इतना मजा आया, और 4-5 दिन और 10 दिन यहाँ पे तो कितना मजा आएगा। तो यहाँ के एक स्पेशल रामचंद्र चाट है, वो खाने के लिए रुके, देखते हैं क्या कैसी है। आलू लच्छा टिक्की यार, बढ़िया आइटम। वाह भाई, क्या ही जगह है, 101 खाने के आइटम, 101 पीने के आइटम, मजा आ गया। अभी हम आए फालूदा खाने के लिए, जो कि क्या है, रामचंद्र फालूदा। तो ये आ गया जी अपना राजभोग फालूदा, मस्त से मज़े से खाते हैं, और अभी निकलते हैं, बहुत बारिश आ रही है भाई। ये जयपुर का मार्केट घूमते घूमते तो बहुत थक गए, और अभी तक हुआ नहीं है पूरा। तो भाई अभी तक 10 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा डेस्टिनेशन, मतलब हमारा जो रूम है वो आया नहीं है, पता नहीं कहाँ लेके आए थे भाई साहब। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आते हैं, 10 किलोमीटर तो पक्का चले होंगे। तो दोस्तों, अभी आए खाना खाने, 60 रुपये में मात्र भरपेट खाना मिलता है यहाँ पे, तो अपने बजट ट्रिप एकदम मस्त जा रही है। सो भाई, यहाँ पे मिलता है भरपेट खाना, 60 रुपये में, खाली 60 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। तो खाना वाना खा के रूम में आ चुका हूँ, और अब तो देखा तो मेरे साथ कितने अलग अलग किस्म के लोग हैं, लाइक है तो वो लोग, लेकिन
सच में अच्छा लगता है कि अलग अलग एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है लाइफ में। मतलब ये जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे, इनके साथ बॉन्डिंग हो चुकी है और सभी लोग अलग अलग हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल घूमेंगे हम जयपुर, जयपुर के आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो बने रहे वीडियो में 100 डेज ट्रैवल विद मी, एक्सप्लोर इंडिया विद मी फॉर नेक्स्ट 100 डेज।